रही है, तो इन लोगों ने अभी सांसद नहीं है तभी ओसामा बाबू ने तुमको कॉलेज खोल दी है। ओसामा कॉलेज खोले हैं? हाँ, वो सांसद नहीं है, उसके बाद भी आम जनता के लिए वो कॉलेज खोल दी है। वर्तमान सांसद को आप देख ही रहे हैं, और इसके वर्तमान सांसद के पूर्व भी जो सांसद ने 10 बरिश वो पावलगी में 10 बरिश काट दिए। जैसे सीवान जिले में हमारे मोहम्मद साबदीन साहब ने जिस हॉल में हम आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं उन्हीं का देन है। पार्टी के अलग अमर के लोग तो आप लोग नाराज तो नहीं होंगे? उनके नेतृत्व में भी ओसामा साहब अपना जो है उनके नाम से दो दो कॉलेज का शिलान्यास किया है, एक कॉलेज कम्प्लीट है, दूसरा कम्प्लीट होने वाला है। हमको भी बुलाया नहीं गया है, हम अपने दिल से आए हैं, कोई किसी को बुलाया यहाँ नहीं गया है। सब लोग को चाहने वाले जो लोग हैं किसी दल के हों वो सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। देखिए मोहम्मद साबदीन साहब का तृतीय पूर्ण तिथि पर हम लोग उनको सुमन अर्पित करते हुए आम जो भी चाहने वाले व्यक्ति हैं, जो भी उनको दिलों में पहले से राज कर रहे थे, सारे गरीब वंचित शोषित लोग जो है उनके प्रति जो है पूर्ण तिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम कर रहा है। जो ये भीड़ देख रहे हैं उनकी चाहने वाले लोगों को भीड़ है, न किसी पार्टी का भीड़ है, न किसी दल का भीड़ है, ये सभी पार्टी या सभी दल का लोगों का भीड़ है। क्यों? देखिए वो उनकी विचार है, और सब लोग अपना जो उनके चाहने वाले लोग हैं जो जहां है वहां अपना इनका पूर्ण तिथि मना रहे हैं, इसमें कहीं किसी तरह का भेदभाव का भावना नहीं है। देखिए वो तो आने वाला समय बताएगा, आपके मंच के माध्यम से हम बोल भी दिए हैं कि जिन्होंने मोहम्मद साबदीन साहब ने जो यहाँ स्मृति स्थापित किया है, विकास का जो गंगा बहाया है वो किसी सांसद ने नहीं बहाया है। वर्तमान सांसद को आप देखिए रहे हैं, और इसके वर्तमान सांसद के पूर्व भी जो सांसद ने 10 बरिश वो पावलगी में 10 बरिश काट दिए, कोई विकास का काम नहीं हुआ। जनता विकास खोजती है कि हम वहाँ विकास हो। जैसे सीवान जिले में हमारे मोहम्मद साबदीन साहब ने जिस हॉल में हम आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं उन्हीं का देन है। इंजीनियरिंग कॉलेज पूरा इतिहास में लिखा हुआ है, डिग्री कॉलेज है, उसके बाद आयुर्वेदिक कॉलेज है, और सब भी कॉलेज हैं, अभी कुछ कॉलेज खुल रही है। तो इन लोगों ने अभी सांसद नहीं है तभी ओसामा बाबू ने तुमको कॉलेज खोल दिए। ओसामा कॉलेज खोले हैं? हाँ, वो सांसद नहीं है, उसके बाद भी आम जनता के लिए वो कॉलेज खोल दिए हैं। और कहीं भी जाइएगा जो उनके यहाँ बहुत कम फीस है, गरीबों के देखते हुए, गरीबों के हित को देखते हुए, शोषितों के हित को देखते हुए, वो जो 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 देता है वही वो लोग रख लेता है। तो इससे बड़ा जनता का सेवा सिवान में कोई करने वाला सांसद नहीं है ना होगा। ओसामा साहब ने कॉलेज खोला है सिवान? ओसामा साहब उनके नेतृत्व में भी ओसामा साहब अपना जो है उनके नाम से दो दो कॉलेज का शिलान्यास किया है, एक कॉलेज कम्प्लीट है, दूसरा कम्प्लीट होने वाला है। जी 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 भाई साहब नहीं है वो तो देखिए हम आए हैं ना भैया, हम आए हैं, हम तो जितना समय होगा उतना समय देंगे। हमको भी बुलाया नहीं गया है, हम अपने दिल से आए हैं, कोई किसी को बुलाया यहाँ नहीं गया है। सब लोग को चाहने वाले जो लोग हैं किसी दल के हों वो सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। इनके हर पूर्ण तिथि में हर इनके कार्यक्रम में सारे जनता जो चाहने वाले लोग हैं वो उपस्थित रहेंगे। पार्टी के अलग अमर के लोग तो आप लोग नाराज तो नहीं होंगे? अरे नाराज की क्या बात है भाई, सब लोग अपना अपना तिथि मनाते हैं, पूर्ण तिथि मनाते हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं मनाता होगा, ऐसी बात थोड़े है। आपके हमारे नज़र से दूर है इसलिए आपको दिखाई नहीं देता, हमको दिखाई नहीं।